लोगों के सामने उपस्थित हुई हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तो मैंने आप लोग को अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं आप लोगों को यूजीसी नेट की तैयारी करवा रही हूँ। यूजीसी नेट में दो पेपर होते हैं, फर्स्ट और सेकेंड। तो मैं फर्स्ट यूनिट में, जिसमें 10 यूनिट्स होती हैं, फर्स्ट पेपर में जो 10 यूनिट्स होती है उसमें फर्स्ट यूनिट जो है आपकी शिक्षण अभिक्षमता, उसके बारे में आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। तो मैंने अभी तक आप लोगों को शिक्षा, शिक्षण, शिक्षण के प्रकार क्या हैं, उसके चर हैं और उसके चरण हैं और शिक्षण की विधियां हैं, ये सारे टॉपिक्स मैं आप लोग को अपने पिछले वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। तो आज के वीडियो में हम आगे नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा शिक्षण की सहायक सामग्री यानी टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, उसके बारे में पढ़ाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शिक्षण अभिक्षमता में आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा शिक्षण की सहायक सामग्री, कि टीचिंग प्रोसेस में एक जो टीचर है वो कौन कौन से सपोर्ट सिस्टम यूज करता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। शिक्षण की सहायक सामग्री, तो शिक्षण की सहायक सामग्री की बात करें तो शिक्षण कार्य में कुछ ऐसी सामग्री का उपयोग जो एक शिक्षक को उसके विषय वस्तु के विकास में सहयोग देती है, साथ ही बच्चों को सोचने, समझने और उस विषय के अंतर्गत आने वाले टॉपिक में इंटरेस्ट पैदा करती है, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम कहलाती है। शिक्षण कार्य यानी जो भी शिक्षण का जो आपके जो टीचिंग प्रोसेस जो चल रही है क्लास में, टीचर जब वो पढ़ाने के लिए आता है तो वो ये देखता है कि मैं बच्चों को आज जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ उस टॉपिक के अंतर्गत आके वो कौन कौन सी चीजें यूज करेगा जो उसके शिक्षण कार्य को और भी अच्छा और सजग बनाए। तो इसके लिए जो शिक्षण सामग्री होती है वो हमारी दो प्रकार की यूज होती है। तो पहली शिक्षण सामग्री जो हमारी होती है वो है श्रव्य और दूसरी है दृश्य सामग्री। तो हम बात करते हैं अपने पहले प्रकार की। तो हम सबसे पहले लेंगे शिक्षण की सहायक सामग्री के प्रकार। सहायक सामग्री के प्रकार। अब सहायक सामग्री के आपके दो प्रकार होते हैं, जिसमें पहला प्रकार जो है आपका, जो शिक्षण सामग्री का पहला प्रकार जो है आपका वो है दृश्य साधन यानी विजुअल एड्स। फर्स्ट है आपका दृश्य साधन। यानी विजुअल एड्स, विजुअल एड्स से हमारा तात्पर्य होगा ऐसा साधन जो हमें सामने दिखाई दे रहा है। विजुअल एड्स। अब विजुअल एड्स क्या होते हैं, दृश्य साधन क्या होते हैं? तो दृश्य साधन जो है आपके वो वे साधन हैं जिनको दिखाने का प्रभाव अधिक पड़ता है। मतलब टीचर क्लास में जाएगा, कोई टॉपिक पढ़ाएगा, उस टॉपिक के अंतर्गत आने वाले जो भी पार्ट्स हैं टीचर उसको चार्ट के थ्रू या तो उसका एक वास्तविक रूप बच्चों को दिखाएगा। मान लीजिए टीचर वॉल्केनो के बारे
बारे में बच्चों को पॉल कैनो टॉपिक पढ़ा रहा है ज्वालामुखी का, तो वो बच्चों को ज्वालामुखी का बना हुआ या तो चार्ट दिखा सकता है या फिर एक मॉडल के थ्रू उसको बना करके बच्चों के सामने शो कर सकता है कि ये देखिए इस तरीके से वॉल्केनो में से लावा निकलता है और क्या क्या प्रोसेस होती है उसकी। तो दृश्य साधन वे साधन हो गए जो हमें सामने दिखाई दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें होता है वास्तविक रूप, आप कोई भी डायग्राम है उसका वास्तविक रूप, या फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने आप लोगों को पहले भी अपने पिछले वीडियो में बताया था कि टीचर क्या करता है, बच्चों को शो करके दिखाता है। एप्पल के बारे में अगर बच्चों छोटे बच्चों को ए फॉर एप्पल पढ़ा रहा है तो एप्पल बच्चों को उसका वास्तविक रूप क्लास में लाके दिखाएगा और बच्चों से पूछेगा कि ये क्या है, प्रतिरूप हो गया, या तो फिर चार्ट के माध्यम से चार्ट पे उस डायग्राम को बना के उसके थ्रू पढ़ाएगा, या फिर उसी का क्या कहते हैं उसी का रूप हो गया, चित्र हो गया कि ब्लैक बोर्ड पे उसका डायग्राम बना के बच्चों को उससे रिलेटेड समझाएगा। तो ये होते हैं विजुअल एड्स जो हमें सामने दिखाई दे रहे हैं। अब नेक्स्ट है हमारा श्रव्य साधन यानी ऑडियो एड्स, सेकेंड पार्ट है हमारा। तो ये चीजें हो गई आपकी ऑडियो विजुअल एड्स की, जिसमें
इसमें हमें सुनाई भी दे रहा है और दिखाई भी दे रहा है। तो आज मैंने आप लोगों को शिक्षण की सहायक सामग्री के बारे में बताया, उसमें मैंने आप लोगों को सहायक सामग्री के तीन प्रकार बताए हैं, दृश्य साधन, श्रव्य साधन और दृश्य श्रव्य साधन। तो आज मैं अपना वीडियो यहीं खत्म करना चाहूंगी और अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं इसके आगे का जो भी टॉपिक है, दृश्य श्रव्य साधन के उद्देश्य क्या हैं, ऑब्जेक्टिव और इनकी इम्पोर्टेंस और नीड्स क्या हैं, उनके बारे में पढ़ाऊंगी। थैंक यू।